Hello everyone, namaste and welcome back to my channel. I am Swati and you are on my YouTube channel Home Lifestyle. So, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ रिव्यू एक अमेजिंग और बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट का जो कि है फिलिप्स का एपिलेटर. मैं इस वीडियो में बहुत सारे पॉइंट्स कवर करने वाली हूँ जो आपके माइंड में हो सकता है हो अगर आप एपिलेटर परचेज करने के लिए सोच रहे हैं तो. क्योंकि जब मैं एपिलेटर परचेज करने का प्लान कर रही थी तो मेरे माइंड में काफी सारे डाउट्स थे, तो जो डाउट्स मेरे माइंड में थे उस टाइम पर वो सारे मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं ताकि आपके डिसीजन लेने में वीडियो आपको हेल्प कर सके. तो फिर चलिए टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या एपिलेटर आपके लिए वर्थ बाइंग है या नहीं है, और अगर है तो एपिलेटर को कैसे यूज करना चाहिए. और इस वीडियो में मैं सिर्फ इसके यूजफुल वो नहीं बताऊंगी, सिर्फ बेनिफिट्स नहीं बताऊंगी, मैं आप मेरे को थोड़ी बहुत इसकी लिमिटेशंस भी पता चली हैं तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. तो फिर चलिए टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो स्टार्ट करते हैं. एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा ताकि यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन, बिकॉज आई एम गोना शेयर ऑल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन दैट यू मस्ट नो बिफोर बाइंग द एपिलेटर. सो या विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले लेट्स गेट जंप्ड इनटू द वीडियो. सो बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो मैं आप लोगों को बता देती हूँ क्या क्या चीजें मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि ये पूरी वीडियो किस चीज के बारे में होने वाली है. तो अभी तक मैंने आपको अपना एपिलेटर शो नहीं किया है, तो ये है मेरा फिलिप्स का एपिलेटर. ये इस बॉक्स में नहीं आता है, दूसरे बॉक्स में आता है, कार्डबोर्ड का बॉक्स होता है. तो ऑब्वियसली मेरे को 2.5 साल हो गए इसको यूज करते हुए, तो देयर इज नो पॉइंट कि वो बॉक्स मेरे पास रखा हो. तो यहाँ पर एक मेरे पास प्लास्टिक का बॉक्स था, तो इसमें मैं इस तरीके से इसको ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ. तो जब आप इसको परचेज करते हैं इसके साथ सिर्फ ये दो चीजें ही आती हैं. मैंने जो लिया है ये सबसे ज्यादा जो सस्ते वाला होता है वो वाला एपिलेटर लिया है. मैंने ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं लिया क्योंकि दिस वाज माय फर्स्ट टाइम दैट आई वाज बाइंग एन एपिलेटर और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये मेरे लिए यूजफुल होगा कि नहीं होगा. आई वॉज टेलिंग यू दैट कि मैंने ज्यादा महंगे वाला एपिलेटर नहीं लिया क्योंकि आई डोंट वॉन्ट टू इन्वेस्ट माई मोर मनी इन दिस, क्योंकि मुझे पता नहीं था इज इट वर्थ बाइंग और नॉट और मेरे लिए हेल्पफुल होगा या नहीं होगा. इसलिए मैंने सबसे सस्ते वाला खरीदा था और आई थिंक ये अमेजोन पे एक डील चल रही थी तो उसमें मैंने परचेज किया था. ये मेरे को 2000 या 2100 रुपए के आसपास पड़ा था इंडियन करेंसी में. और इसका लिंक जो है इस प्रोडक्ट का वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. इफ यू वॉन्ट टू बाय यू कैन डेफिनेटली बाय इट. और इसमें जो है बैटरी ऑपरेटेड नहीं है, डायरेक्ट बिजली से चलता है, विच इज अ गुड थिंग. क्योंकि पहले मुझे लग रहा था कि मुझे बैटरी ऑपरेटेड लेना चाहिए था, लेकिन मैंने अपनी एक फ्रेंड से बात की जिसके पास ये बैटरी ऑपरेटेड वाला एपिलेटर है. तो उसमें एक लिमिटेशन होती है जो आई विल लेटर शेयर इन द वीडियो. तो ये वाला बेसिकली डायरेक्ट बिजली से चलता है. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज कि इन्होंने इसकी वायर अच्छी खासी लंबी दी है. तो इफ यू वॉन्ट टू यूज इट लाइक यू कैन कम्फर्टेबली यूज इट. तो यहाँ पर अब मैं दिखाती हूँ ये चार्जर मैंने आपको दिखा दिया, इस तरह का चार्जर इसका आता है. और इस तरह की इसकी बॉडी है एपिलेटर की. ये थोड़ा सा गंदा हो रखा है तो प्लीज इग्नोर इट. तो इस तरह की इसकी बॉडी है और इसको अगर हम इस तरीके से स्वाइप करते हैं तो ये निकल के आ जाता है. एंड दिस हेड इज वॉशेबल, तो पानी में आप इसको वॉश कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है हेयर्स एक्यूमुलेट होते हैं. तो इसको वॉश करना मेंटेन करना काफ़ी इजी है और बहुत कंफर्टेबल है ये. सो या मैंने आपको अपना एपिलेटर शो कर दिया. और ये इसमें एक कैप है सेंसिटिव एरियाज के लिए जो कि मैंने लिटरली आज तक कभी यूज़ नहीं करी. आई डोंट नो क्यों दी है, ये बिल्कुल अननेसेसरी थिंग है ये. सो अब मैं बताती हूँ मैं क्या क्या पॉइंट्स इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ और फिर हम डिटेल में उन पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे. तो मैंने लिस्ट बनाई हुई है क्योंकि ऑब्वियसली जब कई बार ऐसा होता है कि मैं वीडियो बनाती हूँ तो मैं बहुत अननेसेसरी चीज़ें बोल जाती हूँ और जो मुझे बोलनी होती है नेसेसरी डिटेल्स वो रह जाती है. तो मैं इस वीडियो में ऐसा नहीं चाहती कि मैं कोई भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन छोड़ दूँ, तो इसलिए मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर नोट डाउन करी है और मैं एक एक करके वो आपको बताती जाऊँगी. सो द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोना कवर इज वट इज एपिलेटर. एपिलेटर क्या होता है एंड हाउ डज इट वर्क, इज इट रियली वर्थ बाइंग और नॉट, हाउ टू यूज इट. Then I will share my experience with this epilator and then we will compare this epilator with the waxing and shaving. So yeah, first thing first, what is epilator and how does it work? Epilator क्या होता है? Epilator is a machine and epilator का जो head होता है, please focus. So जो epilator का head होता है वो कुछ इस तरीके का होता है और इसके अंदर होता है आगे ये rotating head. तो एपिलेटर जो है ट्रिमर बिल्कुल नहीं होता, ट्रिमर से बिल्कुल अलग चीज है. ट्रिमर जो होता है वो बालों को सीधा कट करता है. मैं एग्जांपल के लिए एक पेंसिल लेके आती हूँ. तो ये पेंसिल अगर आप इसको एज्यूम करें कि ये हेयर है
और ये हमारे स्किन है, तो यहाँ पर ये हेयर इस तरीके से हमारे स्किन में होता है और ये जो है हमारे हेयर की रूट है जो हमारे स्किन के अंदर होती है, जो हमारी बॉडी के अंदर होती है। तो व्हाट ट्रिमर डज इज कि वो उसको सीधा कट कर देता है एंड अंदर के पार्ट को नहीं निकालता, तो ट्रिमर वो होता है। बट एपिलेटर क्या होता है, एपिलेटर के हेड में जैसे आपने देखा ये रोटेटिंग वो होते हैं, रोटेटिंग हेड होता है और इसके अंदर ना इस तरह के पार्ट होते हैं जो यू करके जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं यू पकड़ के पुल करते हैं हेयर को, तो ये बेसिकली रूट से आपके बाल को निकालता है। तो जैसे ये हेयर है तो ट्रिमर तो इसको सिर्फ ऊपर से कट कर देगा, एपिलेटर इसके एपिलेटर का जो हेड है जो वो रोटेट होता है आगे, जो ये मैंने दिखाया आपको ये चीज, ये क्या करता है, ये इसको इस तरीके से पकड़ के ऐसे पुल करता है बालों को। तो ये जैसे वैक्सिंग में हमारे बाल रूट से निकलते हैं उस तरीके से इसको निकालता है। तो इस तरीके से निकालता है तो ऑब्वियसली जो हेयर ग्रोथ है वो उतनी स्पीड से नहीं होती और एक बार एपिलेटर कर लो तो काफी दिनों तक स्किन जो है स्मूथ बनी रहती है, तो बहुत फ्रिक्वेंटली इसको यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अब हम चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे। तो सेकंड पॉइंट है कि इज एपिलेटर वर्थ बाइंग और नॉट, तो मतलब ये खरीदना एक फायदे का सौदा है या नहीं है। तो ये एपिलेटर जो है मेरा वाला ये मुझे पड़ा है 2100 रुपए का और जो मैंने अमेजोन से परचेज किया है और इसका एमआरपी भी कुछ ज्यादा नहीं था, आई थिंक इसका 2800 रुपए एमआरपी है और मुझे एक डिस्काउंट पे अमेजोन से 2100 रुपए का मिल जाता था, जो कि जनरली 2100 इतना ही प्राइस इसका रहता है अमेजोन पे। तो अगर आप वैक्सिंग कराते हैं तो वैक्सिंग का पर मंथ ही आपका कॉस्ट कितना बैठ जाता है, 1500 के आसपास, 1000 से 1500 के आसपास पर मंथ, या अगर आप 2 महीने में कराते हैं तो मतलब इतना कॉस्ट तो आपका आता ही है। और ये एक ऐसी चीज है जो अगर आप खरीद लेंगे, मैंने तो ये अभी 2-2.5 साल से ही यूज किया है, बट मेरी एक कॉलेज फ्रेंड है उसके पास भी ये फिलिप्स का ही एपिलेटर है और उसी ने मुझे रेकमेंड किया था ये यूज करना। तो उसका एपिलेटर जो है आई थिंक उस टाइम पे 4-5 साल पुराना था, तो ऑब्वियसली 5 साल से वो उसको यूज कर रही थी और 5 साल से अगर कोई एपिलेटर यूज करेगा तो ऑब्वियसली आप सोच सकते हैं कितना सारा अमाउंट आप लोग वैक्सिंग पे जो इन्वेस्ट करते हैं, खर्च करते हैं, वो सेव कर सकते हैं। क्योंकि अब मैं कैलकुलेट तो नहीं करूंगी बट ऑब्वियसली हर महीने का 1000 रुपए का खर्चा जो है ये मशीन सेव करती है और ये आई थिंक 5 साल से तो ज्यादा ही चलेगा, और अगर आप अच्छे से मेंटेन करते हैं तो 10 साल भी ये कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी है और बहुत अच्छी क्वालिटी का ये प्रोडक्ट है। मैं इसको 2-2.5 साल से यूज कर रही हूँ और जब से मैंने इसको यूज करना स्टार्ट किया है मैं कभी पार्लर नहीं गई वैक्सिंग कराने, मैं इसी को ही यूज कर रही हूँ जब से, मुझे कभी नीड ही नहीं हुई क्योंकि ये उससे ज्यादा कंफर्टेबल है। डेफिनेटली इट इज वर्थ बाइंग क्योंकि इट्स गोना सेव लॉट ऑफ योर मनी दैट यू विल एंड अप स्पेंडिंग ऑन द वैक्सिंग एंड ऑल द थिंग्स। तो ये कवर हो गया। नाउ द थर्ड पॉइंट इज हाउ टू यूज इट। जो एपिलेटर होता है वो यूज करना काफी ज्यादा इजी होता है क्योंकि अगर आपने वैक्सिंग वगैरह घर पर करना ट्राई किया होगा, क्योंकि मैंने काफी बार की है वैक्सिंग, तो घर पे वैक्सिंग करने से काफी ज्यादा मैस होता है, वैक्सिंग इधर उधर गिर जाती है और ऑब्वियसली जो आपका वैक्स हीटर होता है जिस भी चीज में आप उसको गर्म कर रहे हैं आपको वो क्लीन करना पड़ता है, और वैक्सिंग करने के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है कि हाँ भाई 2-3 घंटे वैक्सिंग में लगेंगे, तो उसके लिए क्या होता है मतलब अच्छा खासा टाइम आपका लग जाता है। बस इसके लिए आपको कोई जरूरत नहीं है किसी भी चीज की। इवन कई बार ऐसा होता है कि हमें फटाफट तैयार होकर पार्टी में जाना है, कहीं भी जाना है, तो वैक्सिंग की जरूरत है, या आपको कोई ऐसी ड्रेस पहननी है जिसमें आपके लेग्स वगैरह पे आपको वैक्सिंग की जरूरत है, तो आप फटाफट जैसे आप तैयार हुए इसको कहीं पे भी प्लग इन किया, और इवन इसके लिए कोई स्पेसिफिक स्पेस की भी जरूरत नहीं है, कहीं पे भी आप खड़े खड़े इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। अभी मैं इसको आपको यूज करके भी दिखाऊंगी और मैंने स्पेशली इस वीडियो को शूट करने के लिए अपने जो एपिलेटर है इसको आई थिंक 2-3 महीने से यूज नहीं किया है, ताकि थोड़ी हेयर लेंथ थोड़ी दिखाई दे मेरे हाथ पैरों पे, ताकि मैं इसको यूज करूं तो आपको पता चल पाए कि कितने इफेक्टिवली ये वर्क करता है। सो अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसको हमें कैसे यूज करना चाहिए। इसको यूज करने के लिए 4-5 पॉइंट्स है जो मैं आपको बताऊंगी, जिससे आप जो एपिलेटर यूज करते हैं उसका यूज जो है वो काफी इफेक्टिव हो जाएगा। तो इसकी जब एपिलेटर की जो खुद की वीडियो फिलिप्स ने बनाई हुई है उसमें उन्होंने बताया हुआ है डिटेल में कि आपको एपिलेटर हमेशा 90 डिग्री पे पकड़कर ही यूज करना चाहिए, इसको यूं इस तरीके से यूज नहीं करना चाहिए। जब ये चल रहा है तो आप इसको इस तरीके से पकड़ें, स्किन से 90 डिग्री पे पकड़ें और इसको स्लोली मूव करें, बहुत फास्ट आपको मूव नहीं करना है, क्योंकि जब आप 90 डिग्री पे इसको होल्ड करते हैं तो इसकी एपिलेटर की जो हेयर पे ग्रिप है वो काफी अच्छी बनती है और ये काफी इफेक्टिवली वर्क करता है। रेदर देन आप इसको यूं पकड़े या इस तरीके से पकड़े तो वो इतनी अच्छी ग्रिपिंग नहीं ले पाएगा बालों पे, और फिर आपको सेम जगह पे 3-4 बार अप्लाई करना पड़ेगा, वो यूज करना पड़ेगा और फिर वही पेन होगा बार बार। तो इसलिए इसको आई वुड रिकमेंड कि जिस तरीके से इन्होंने मेंशन किया है, फिलिप्स ने स्पेशली मेंशन किया है कि आप इस तरीके से यूज करें, आप वैसे ही यूज करें। तो 90 डिग्री पे इसको होल्ड करें
और इसको आप, अब सेकंड पॉइंट आता है कि यूज करने में, कि आप इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। आप इसको पूरी अपनी फुल बॉडी पे यूज कर सकते हैं, नो मैटर कि आपके प्राइवेट हेयर्स हैं, अंडर आर्म्स हैं, हर जगह इसको यूज कर सकते हैं। मैं पर्सनली इसको हर जगह यूज करती हूँ और मुझे इससे कोई भी कंप्लेंट नहीं आई है। तो ये पूरी बॉडी के लिए एक सिंपल सॉल्यूशन है, बट इसको आप फेस पे यूज नहीं कर सकते बिकॉज फेस की स्किन काफी सेंसिटिव होती है। और आई एम नॉट श्योर मतलब ये फेस के लिए है या नहीं है, क्योंकि मेरे तो फेस पे हेयर्स है ही नहीं नेचुरली, तो मुझे जरूरत नहीं पड़ती। मैं फेस पे हेयर रिमूव फेस के कभी नहीं करती हूँ, तो मैंने बॉडी पे, पूरी फुल बॉडी पे इसको यूज किया है और ये बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे से वर्क करता है। बट अगर आप इसको यूज कर रहे हैं और कहीं पर आपके हेयर्स की लेंथ ज्यादा है, तो उसको पहले आप ट्रिम कर लेंगे हेयर्स को, तो ट्रिम करने के बाद यूज करेंगे तो ये ज्यादा अच्छे से वर्क करेगा। और इसकी एक अच्छी बात यह है कि जैसे वैक्सिंग के लिए तो आपको वेट करना पड़ता है कि थोड़े से हेयर ग्रो हो, क्योंकि जो छोटे हेयर्स होते हैं वो वैक्स जो है पकड़ नहीं पाता, बट इसमें ऐसा नहीं है, ये छोटे से छोटे हेयर्स को पकड़ के भी रिमूव कर देता है। तो आपको ऐसा वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती कि आप पहले हेयर ग्रोथ होने का वेट करो तभी आप वैक्स कर पाओगे या तभी आप हेयर रिमूव कर पाओगे। ये छोटे हेयर्स में भी बाल बड़े आराम से रिमूव कर देता है। तो थर्ड, अब नेक्स्ट पॉइंट है कि इसको वॉश कैसे करेंगे। इसको वॉश करना काफी ईजी है, आप इसको वॉश करना काफी इजी है। आप जस्ट इसको ऐसे क्लिक करेंगे, ये इधर से आ जाता है और ऐसे रिमूव हो जाता है। और इसका ये हेड जो है कम्प्लीटली वॉशेबल है, आप इसको अच्छे से वॉश करें उसके बाद एयर ड्राई करके वापस लगा के यूज कर सकते हैं। तो इसको वॉश करना, यूज करना इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी चीज है। और थर्ड चीज आती है कि जब आप इसको यूज कर रहे हैं तो आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए। कई लोग आपको बताएंगे एपिलेटर यूज करने से पहले आप पाउडर अप्लाई करें या जो टेलकम पाउडर होता है वो अप्लाई करें, बट आई वुड नॉट सजेस्ट, क्योंकि टेलकम पाउडर हो सकता है इसके हेड में एक्यूमुलेट हो जाए और प्रोडक्ट को डैमेज कर दे, और जो टेलकम पाउडर होते हैं उनमें फ्रेग्रेंस होती है, उसके लिए काफी ज्यादा केमिकल्स यूज होता है। और जब आप एपिलेटर यूज करते हैं तो ऑब्वियसली एपिलेटर आपके बालों को रूट से रिमूव कर रहा है, तो आपकी जो स्किन फॉलिकल्स हैं वो ओपन हो रहे हैं उससे, और उनके अंदर अगर टेलकम पाउडर या कोई केमिकल वाली चीज जाएगी तो 100% वो आपकी स्किन को डैमेज करेगी। तो आई वुड नॉट रिकमेंड यू यूजिंग एनी प्रोडक्ट बिफोर डूइंग दिस एपिलेटर। तो आपको क्या करना चाहिए, इन माय ओपिनियन आई एम नॉट 100% श्योर, बट आई हैव डन लॉट ऑफ रिसर्च अबाउट द एपिलेटर और जो मुझे बेस्ट लगा वो मैं बता रही हूँ आपको। सो व्हाट आई सजेस्ट यू कि आप अपनी फुल बॉडी पे स्क्रबिंग करें, एक्सफोलिएटिंग करें। उससे क्या होगा कि आपकी स्किन पे जितनी भी, आपके हैंड्स पे या लेग्स पे या आपकी बॉडी पे जितनी भी डेड स्किन है वो हट जाएगी। तो डेड स्किन हटने से क्या होगा कि जो इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, क्योंकि कई बार होता है रूट से हेयर निकल रहा है तो उसके बाद रूट आपकी ओपन हो रही है, अगर आपकी स्किन पे डेड स्किन है या डर्ट है तो वो हो सकता है उसके अंदर चला जाए और वो इन्फेक्ट कर दे उसको। तो उस चीजों से बचने के लिए आई वुड सजेस्ट यू कि आप पहले एक्सफोलिएटिंग या स्क्रबिंग कर लें, ताकि आप इंश्योर हो जाए कि आपके हैंड्स एंड आपकी बॉडी बिल्कुल क्लीन है। और उसको करने के आधा घंटे या एक घंटे बाद आप इसको यूज कर सकते हैं। तो थोड़ा सा अपनी स्किन को भी टाइम दे सेटल डाउन होने के लिए, यानी कि आपने एक्सफोलिएटिंग की और तुरंत ही आपने एपिलेटर यूज कर लिया, तो थोड़ा सा टाइम दे और उसके बाद एपिलेटर यूज करें। और मैंने इसको 2-2.5 साल से यूज किया है, मैं आपको बता रही हूँ कि इन्फेक्शन वगैरह के चांस होते हैं अगर रूट से बाल निकलता है तो, बट मैंने कभी ऐसी चीज कोई एक्सपीरियंस नहीं करी है टचवुड। तो अगर मतलब मैंने सुना इस तरह का होता है लोगों के साथ, लेकिन मेरे साथ कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर आप एपिलेटर यूज कर रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि जिस भी पार्ट में आप यूज कर रहे हैं, अगर आपको पेन थोड़ा ज्यादा फील हो रहा है तो आप थोड़ा सा ल्यूकवॉर्म वाटर से या हल्के से गर्म वाटर से इसको धो लें। तो उससे क्या होता है कि स्किन फॉलिकल्स जो होते हैं वो थोड़े से सॉफ्ट पड़ जाते हैं, तो उससे बाल इजिली रिमूव हो जाते हैं और पेन उतना ज्यादा फील नहीं होता। बट मुझे उस चीज की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मुझे इतना ज्यादा पेन इससे नहीं होता। अब पेन की बात करें तो ऑब्वियसली वैक्सिंग से थोड़ा सा ज्यादा पेन होता है, बट इतना ज्यादा नहीं कि आप उसको टॉलरेट ना कर पाए, तो इतना ज्यादा नहीं है। मुझे तो कंफर्टेबल लगता है, वैक्सिंग से बेटर लगता है बहुत ये। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेरा एक्सपीरियंस इस एपिलेटर के साथ। ऑब्वियसली आपको पता चली क्या होगा, इतनी सारी चीजें मैंने आपको बताई दी, तो मेरा एक्सपीरियंस तो इस एपिलेटर के साथ 100% अच्छा रहा है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट मुझे लगा है और काफी ज्यादा टाइम भी सेव करता है। और मैं इसको जनरली कैसे यूज करती हूँ कि मैं मंथ में एक बार इसको अपनी पूरी फुल बॉडी पे कर लेती हूँ एपिलेट फुल बॉडी को, और एक महीने में ऑब्वियसली इतना ज्यादा हेयर ग्रोथ होता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको यूज कर लेती हूँ तो वो टाइम आता ही नहीं कि मेरी बॉडी पे ज्यादा हेयर ग्रो हो, तो मैं इसको ऐसे ही टाइम टाइम यूज करती रहती हूँ। और ये बहुत ईजी है यूज करना, कुछ भी नहीं करना आपको, बस प्लग इन करना है। वो मैं आपको शो भी करूंगी अभी, आपको जस्ट प्लग इन करना है। यहाँ पर इस पे 2 स्पीड ऑप्शन दिए है, स्पीड 1 पे थोड़ा
धीरे धीरे चलता है ये, स्पीड 2 पे ज्यादा फास्ट चलते हैं इसके ये हेड, जो रोटेटिंग हेड है, तो मैं इसको 2 पे यूज करती हूँ जनरली। प्लग किया उसके बाद इस तरीके से पकड़ा और अप्लाई यूं करते गए और सारे हेयर्स रिमूव होते जाते हैं। अभी मैं दिखाती हूँ आपको वो करके, पर उससे पहले मैं सारे पॉइंट्स कवर कर लूँ। तो ये चीज़ हो गई फर्स्ट। नेक्स्ट चीज़ है कि मैं कंपैरिजन करूँ इसका वैक्सिंग से। वैक्सिंग से ये लाख गुना ज़्यादा अच्छी चीज़ है, क्योंकि वैक्सिंग में अगर आप पार्लर जाते हैं तो आपको पार्लर जाने के लिए टाइम अरेंज करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, अच्छा खासा पैसा देना पड़ेगा। और अगर आप खुद वैक्सिंग करते हैं घर पे तो बहुत तामझाम होता है उसमें, आपको वैक्सिंग को गर्म करना पड़ेगा एंड उसके बाद वैक्सिंग करोगे तो जिस जगह पे आप करते हो थोड़ा गंदगी भी हो जाती है और आपको मैनेज भी करना पड़ता है, तो वो काफ़ी झंझट वाला काम है। और ये जो है बहुत इजी पीजी, बहुत बहुत ही आसान चीज़ है हेयर रिमूव करने की। अब अगर हम इसको करें शेविंग से या ट्रिमिंग से कंपेयर, तो शेविंग में क्या होता है, शेविंग सिर्फ ऊपर से बाल कट करता है, ये मैंने बताया आपको, रूट से रिमूव करता है। तो शेविंग में बाल जो है बड़े जल्दी जल्दी ग्रो होते हैं, आई थिंक 2 वीक्स में ग्रो कर जाते हैं, लेकिन इसको 2 महीने में भी यूज कर सकते हैं, 1 महीने में भी, डिपेंड करता है कि हर किसी की बॉडी पे हेयर ग्रोथ अलग अलग होती है। तो 1 महीने 2 महीने तक आराम से चल जाता है अगर इसको यूज़ करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आप इसको यूज़ करते हैं तो आप अपनी स्किन पे कोई भी केमिकल नहीं यूज़ करते। वैक्सिंग में ऑब्वियसली आपको वैक्स यूज़ करनी पड़ती है और वैक्स में भी केमिकल्स होते हैं, तो स्किन पे जितना केमिकल अप्लाई होता है उतनी स्किन डैमेज होती है। तो इसमें एपिलेटर में हम लोग ऑब्वियसली कोई भी केमिकल स्किन पे यूज़ नहीं कर रहे, तो ये स्किन को उतना डैमेज नहीं करता। लेकिन जब भी आप एपिलेटर यूज़ करें तो उसके बाद आई वुड सजेस्ट यू कि आप एलोवेरा जेल या कुछ लगा लें, ताकि आपकी स्किन जो है थोड़ी बहुत भी अगर डैमेज हुई है तो वो हील हो जाए। तो मैं इसको एपिलेटर यूज करने के बाद एलोवेरा लगाती हूँ। मैं कोई मार्केट में मिलने वाला एलोवेरा नहीं लगाती, मैंने खुद अपना घर में ग्रो किया हुआ है, तो वो एलोवेरा थोड़ा सा लेके वो मैं रब कर लेती हूँ अपनी स्किन में और उसको 1-2 घंटे लगे रहने देती हूँ, उसके बाद वॉश कर लेती हूँ। और मैं आपको सजेस्ट करूंगी, अगर आप एपिलेटर कर रहे हैं यूज, तो आप इसको हमेशा रात को यूज़ करें, दिन में उसको यूज़ ना करें। क्योंकि दिन में क्या होता है, दिन में हम यूज़ करेंगे तो सन का एक्सपोजर होता है, हम बाहर डर्ट में चले जाते हैं, तो वो क्योंकि आपने जब इसको यूज़ किया तो आपके स्किन फॉलिकल्स ओपन है और उस टाइम आप डर्ट में चले गए या धूप लग गई आपकी स्किन पे, तो वो डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन रात को तो ऑब्वियसली आप यूज़ करके सो जाएंगे, ओवर द टाइम रात भर में उसको अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा काम डाउन होने का और क्लोज होने का, तो जिससे आपके स्किन के डैमेज होने के चांसेस काफ़ी कम होंगे। तो इसलिए रात को एपिलेटर यूज़ करना इज़ अ गुड ऑप्शन। तो मैंने स्टार्टिंग वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था आपको कि ये वाला एपिलेटर जो डायरेक्टली बिजली से चलता है बेटर क्यों है, जो बैटरी ऑपरेटेड एपिलेटर आते हैं उससे। मेरी फ्रेंड के पास बैटरी ऑपरेटेड वाला एपिलेटर है, तो उसने मेरे को बताया कि कई बार होता है कि उसको कहीं जाना होता है और जैसे वो एपिलेटर यूज करना स्टार्ट करती है तो पता चलता है कि एपिलेटर फुल चार्ज नहीं है, तो एपिलेटर चार्ज करने के लिए उसको वेट करना पड़ता है। और ये एपिलेटर जो मार्केट में आजकल फास्ट चार्जिंग वाले भी आते होंगे, लेकिन उसके पास जो है वो अच्छा खासा टाइम लेता है, 3-4 घंटे लेता है, तो कई बार उतना इजी नहीं रहता यूज़ करना। और बैटरी ऑपरेटेड की जो लाइफ होती है वो भी कम होती है, क्योंकि बैटरी डैमेज जल्दी हो जाती है। तो ये वाला जो एपिलेटर है जिसमें बैटरी नहीं होती, जो डायरेक्ट चलता है, एक तो आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं है कि चार्ज है या नहीं है, और इसको आप 1 गो में कितना भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें आप जितनी उसकी बैटरी है उतना ही यूज़ कर पाएंगे। अगर 1 घंटे बैटरी रन होगी तो 1 ही घंटे यूज़ कर पाएंगे, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये तो डायरेक्ट चल रहा है, जितना मर्जी यूज़ करो। तो ये चीज़ भी एक लिमिटेशन होती है जो बैटरी ऑपरेटेड वाले होते हैं उसमें। तो ये वाला ज़्यादा अच्छा होता है, रिव्यू जो मैंने अपने फ्रेंड्स से लिया उसके हिसाब से ये वाला मुझे, एक तो ये सस्ता पड़ता है और ऊपर से दूसरा ये अच्छा भी है। तो ये मैं बोलूँगी कि बैटरी ऑपरेटेड से बेटर ये जो डायरेक्टली चलता है वो वाला रहता है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं सिर्फ इसकी पॉजिटिव चीज़ें ही नहीं बताऊंगी, मैं इसकी लिमिटेशंस भी आपको बताऊंगी। तो जब फर्स्ट लिमिटेशन इसकी है कि जब आप वैक्सिंग कराते हैं तो वैक्सिंग में क्या होता है, वैक्सिंग आपकी स्किन को अच्छे से रिमूव करती है, तो वो डेड स्किन सेल्स को भी रिमूव कर देता है, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ हेयर्स को रिमूव करता है, ये डेड स्किन सेल्स पर कुछ काम नहीं करता। तो उसके लिए आपको एक्सफोलिएटिंग या स्क्रबिंग वगैरह करनी होती है इसको यूज़ करने से पहले। तो फर्स्ट चीज़ ये हो गई। और सेकेंड चीज़, और हाँ सेकेंड कमी ये हो गई कि इसको यूज़ करने से थोड़ा सा पेन ज़्यादा होता है, वैक्सिंग में पेन थोड़ा कम होता है। तो यही दो ड्रॉबैक हैं जो मुझे इसके लगे, एक तो पेन वाला और दूसरा डेड स्किन वाला, जिसके दोनों के सॉल्यूशन है। पेन इसका ऑब्वियसली इतना ज़्यादा भी नहीं होता, जब वैक्सिंग ही करा रहे हो आप तो थोड़ा सा और पेन सहन कर लो, क्या है उसमें। और दूसरी चीज़ कि जो डेड स्किन सेल्स वाला है तो उसके लिए तो मैं एक्सफोलिएटिंग यूज़ कर लेती हूँ। इवन अगर आप वैक्सिंग कराते हैं तब भी लोग एक्सफोलिएशन तो करते ही हैं, स्क्रबिंग तो करते ही हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ हेल्थी स्किन।
तो वो चीज है, तो बस ये दो ही ड्रॉबैक है। और ये है इसका रोटेटिंग हेड, अगर मैं इसको यहाँ से ऑन करूँ, इसमें दो स्पीड मोड दिए हैं, ये 0 पे बंद होता है, फर्स्ट पे थोड़ी कम स्पीड में चलता है, सेकंड पे ज़्यादा। अगर मैं इसको फर्स्ट पे करूँ, 90 डिग्री पे मैंने होल्ड किया हुआ है इसको, रोटेट किया है। ये वाला लेग है मेरा जो मैंने एपिलेट कर लिया है, और ये वाला जो नहीं किया है। यू कैन इजिली सी द कंपैरिजन। और इस पूरे लेग को मेरे को वैक्स एपिलेट करने में सिर्फ 2 मिनट का टाइम लगा है, 2 से 3 मिनट के टाइम में ये पूरा हो गया है। सो या गाइज, दिस इज इट फॉर माई टूडेज वीडियो। आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड इफ यू डू लाइक इट देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।